आई एम बैक सो दोस्तों सैमसंग और एक स्मार्टफोन लॉन्च किया फ्लैगशिप किलर है वो अगर हम उसको सही जमाने में बोले तो एस ट्वेंटी वन एफ सी दो दिन पहले लॉन्च किया बढ़िया स्मार्टफोन है लेकिन क्या ये सच में एस ट्वेंटी एफ का सक्सेसर है कहाँ कहाँ कॉन्जूसिंग की गई है क्या किया गया वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अगर पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए ना आपको इसका जो बैक है ना वो आपको पूरा प्लास्टिक का देखने को मिलेगा लेकिन जो प्लास्टिक है ना वो आपको एकदम प्लास्टिक की लुक नहीं देगा आपको थोड़ा सा लगेगा लेदर फिनिश है सो तो आपको प्लास्टिक वाली फील भी देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आपको उसका मिड फ्रेम है ना वो मेटल का देखने को मिलेगा जबकि बाकी जो स्मार्टफोन जो इस रेंज में आते हैं जो खुद को थोड़ा सा यार फ्लैगशिप किलर नाम का बताते हैं उनमें आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा अगर फ्रंट की बात की जाए आपको गोरला ग्लास विकस देखने को मिलेगा जो कि एकदम लेटेस्ट है एकदम लेटेस्ट है गोरला ग्लास की ओर से सो तो अगर फॉर्म फैक्टर की बात की जाए और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए ना एकदम डिसेंट आपको देखने को मिली और इसमें कोई कंजूसी देखने को नहीं मिली अगर कलर्स की बात की जाए मेरे हिसाब से मुझे ऑलिव कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वाइट भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सो अगर डिस्प्ले की बात की जाए ना एस ट्वेंटी वन एफ में आपको 6.4 पॉइंट फोर इच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 ट्वेंटी हर्ट्स वाली एल टीपी हो नहीं है नॉर्मल वन ट्वेंटी हर्ट वाली देखने को मिलेगी लेकिन सैमसंग डिस्प्ले पैनल के कलर्स वाह भाई वाह आपको पता ही है एकदम पंची कलर्स होते हैं और एकदम ब्यूटीफुल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे तो so, डिस्प्ले के मामले आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और जो ब्राइटनेस है वो ट्वेल्व हंड्रेड के आसपास आपको देखने को मिलेगी मतलब आउटडोर्स में भी आपकी जिसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी तो डिस्प्ले के मामले में आपको इस फोन में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों अगर कैमराज की बात कीजिए ना आपको जिसको जो मेन सेंसर है वो ट्वेल्व में का देखने को मिलेगा सेम सेंसर जो आपको फ्लिप में देखने को मिल रहा है जो आपको फोल्ड थ्री में देखने को मिल रहा है तो सेम सेंसर आपको इसमें देखने को मिलेगा ओ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और डिवेल पिक्सल टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगी और वैसी पिक्चर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे सैमसंग आपको फ्लैश स्मार्टफोन में देखने को मिलती है सो so, कैमरा के मामले में आपको जो मेन सेंसर एकदम तगड़ा देखने को मिल रहा है अगर टेलीफोटो लेंस की बात की जाए आपको इसमें एट मेगा टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा जिसको आप थर्टी एक्सम जूम भी कर सकते हो तो जूमिंग के मामले में भी कोई टेंशन नहीं थर्टी आराम से कर सकते हो प्लस पोर्ट्रेट्स के लिए एट मेगा यार काफी है अगर अल्ट्रावाइड कैमरा की बात की जाए आपको

आपको इसमें थर्टी टू मेगा सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा पंचोल वाला है वो आपको पता ही है लेकिन थोड़ा बहुत यार एस ट्वेंटी एफ ई से मोटा दिया गया है क्योंकि सेंसर नया है बैटरी इमेज कैप्चर कर रहा है तो वहाँ थोड़ा बहुत मुझे मोटा देखने को लग रहा है जितना पतला उतना अच्छा है लेकिन यार सैमसंग ने नया सेंसर दिया है थोड़ा बहुत अच्छी आपको क्वालिटी देखने को सेल्फी शूटर में भी देखने को मिलेगी सो वहाँ भी आपको एकदम ब्लीडिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी सेल्फी शूटर में तो सेल्फी शूटर भी एकदम आपको डिसेंट सा देखने को मिलेगा और अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी प्लस अगर आप सेल्फीज ले रहे हो आपको उसमें थोड़ा वाइड एस्पेक्ट रेशियो भी देखने को मिलेगा ताकि दो चार लोग भी अगर हो वहाँ पर भी वो शिफ्ट कर लेता है सो एकदम वाइड आपको सेल्फी ड्रेस में देखने को मिलेगा गज अगर देखा जाए ना सैमसंग आपको ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ट्वेल्व के साथ दे रहा है अभी भी काफी सारे मैंने फिर एंड्रॉइड ही दे पा रहे हैं और सैमसंग की सबसे बढ़िया बात क्या है आपको तीन साल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स गारंटी देखने को मिले मतलब ट्वेल्व के साथ आया हुआ है 13, 14 और 15 आपको गारंटीड देखने को मिलेगा सो so एंड्रॉड 15 तक आपका ये स्मार्टफोन अच्छे से चल जाएगा और सैमसंग के आप जो अपडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर हो गए सो थम्स फॉर सैमसंग प्रोवाइडिंग लेटेस्ट एंड्रॉड 12 विद द फोन और जो उसका ओ है वो आपको वन यू आई फोर पॉइंट जीरो पे देखने को मिलेगा one UI और वन यू आई फोर पॉइंट जीरो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑप्टोमाइज सॉफ्टवेयर और सैमसंगन ऑफ द फर्स्ट मैन्यूफेक्चर सा जो एंड्रॉड ट्वेल्व आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा है और प्लस आपको यार एंड्रॉइड ट्वेल्ल सबसे पहले दे रहा है अपने स्मार्टफोन में सो वेल डन सैमसंग फॉर दिस तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए ना आपको स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिविव्य है आपको एस ट्वेंटी एफ जैसा ही देखने को मिलेगा उससे ना फास्ट है उससे ना ज्यादा स्लो है और वैसा ही देखने को मिलेगा और बाकी सैमसंग नॉक्स भी हम इसमें देखने को मिला है जो हार्डवेयर लॉयर पर आपको सिक्योरिटी देखने को मिल रही है सिक्योर फोल्डर एक्स्ट्रा भी देखने को मिल रहा है और सेंसर आपको ऑलमोस्ट सभी देखने को मिलेगी प्लस मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए आपको इसमें स्टीडियो स्पीकर भी देखने को मिल रहे हैं ऊपर से साउंड यहाँ से साउंड हर जगह से साउंड मतलब इमोशनिव एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा अगर तो बैटरी की बात कीजिए ना आपको स्मार्टफोन में 4500 फाइव हंड्रेड मिलियन पर बैटरी देखने को मिलेगी जो कि आपको 25 फाइव वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा सेपरेटली बाय करना पड़ेगा बारह तेरह सौ के आसपास आपको उसका चार्जर देखने को मिलेगा अगर आप ऑफलाइन ले लोगे वैसे तो सत हजार अठारह सौ के आसपास आपको उसका चार्जर देखने को मिलेगा सो आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर नहीं दिया सैमसंग का क्या, क्या कर दिया चलो यार जिसके पास ऑलरेडी चार्जर है वो अपनी चार्जर यूज करो जिसके पास नहीं है वो ट्वेंटी फाइव वाट का चार्जर ले लो क्या ही कर सकते हैं आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी और प्लस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी फिफ्टीन वाट्स की सब बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे वो है इसकी परफॉर्मेंस आपको इंडिया में स्मार्टफोन एक्सिनॉस ट्वेंटी वन हंड्रेड के साथ देखने को मिलेगा जो रैम है एलबीडी फाइव स्टोरेज यू एस थ्री पॉइंट वन दी गई है अब सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है वो इसके प्रोसेसर को लेकर बहुत सारे लोग चाहते थे कि स्नैपड्रैगन का ट्रिपलेट आए और बहुत सारे लोग बोले ट्वेंटी वन हंड्रेड आए तो अच्छा ही है अगर मेरी आप ओपिनियन मानोगे ना स्नैपड्रगन ट्वेंटी वन हंड्रेड आया तो अच्छा है क्योंकि वो भी वही कोर्स यूज करता है जो स्नैपड्रगन ट्रिपल एट यूज कर रहा है आम के कॉटेक्स के वही कोर्स यूज कर रहा है एक्स वन और ए सेवेंटी एट वाले कोर्स परफॉर्मेंस तो के मामले में स्नैपड्रगन ट्रिपल एट थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है उसके साथ बहुत ज्यादा इश्यूज आया हमें पिछले साल और एक्नस ट्वेंटी वन हंड्रेड एकदम सही प्रोसेसर है वेल बैलेंस स्मार्टफोन है ट्रिपल एट जितना पावरफुल भी नहीं लेकिन यार एकदम ट्रिपल एट को टक्कर दे रहा है प्लस आप किसी थर्मल चेक में रहते हैं सो so, गेमिंग इस तो आपकी इसमें बहुत ज्यादा अच्छी होगी लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं जो एक्सनोस ट्वेंटी वन हंड्रेड है वो तो एच डी आर एक्सट्रीम आराम से हैंडल कर सकते हैं लेकिन पबजी में आपको एच डी आर अल्ट्रा की सेटिंग देखने को मिलेगी स्मूथ एक्सट्रीम आप खेल सकते हो एच डी भी अल्ट्रा पे आप खेल रहे पा रहे हो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गेमिंग के मामले में क्या लेकिन बहुत ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है इसका आई एस पी भी बहुत ही अच्छा है आप इससे जो एक्सपेक्ट करते हो वैसी परफॉर्मेंस आपको पर देखने को मिलेगी एकदम फ्लैगशिप वाली तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी सो एक्सनोस ट्वेंटी वन हंड्रेड बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है आप इसको आराम से ले सकते हो क्या बात है इसकी प्राइसिंग पे अगर प्राइस की बात की जाए ना इंडिया में जो स्मार्टफोन है वो अराउंड फिफ्टी थाउजेंड के आसपास लॉन्च किया है आई पी रेटिंग आई पी सिक्स रेटिंग भी आपके उसमें देखने को मिल रही है गैस अगर ओवरऑल स्मार्टफोन फोन के बारे में बात की जाए ना बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है एम एल डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है आईपी रेटिंग आई पी सिक्स एट देखने को मिल रहा है ट्वेंटी फाइव वर्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है ट्वेंटी वन हंड देखने को मिल रहा है सारे सेंसर यूजफुल है कोई भी दो रुपए वाला दो मेगा पिक्सल सेंसर नहीं है और सब कुछ आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से गाइस आई गेस बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है बाकी जो भी यूट्यूबर्स कह रहे हैं उन पर मत जाओ बिकॉज वो पता ही है पेड एक्सेट्रा वो तो होता ही रहता है वाइज आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज यार वीडियो को करो लाइक चैनल को करो सब्सक्राइब कल मिलते किसी और वीडियो में तब तक तो के लिए गुड बाय